हेलो एवरीवन आई होप यू आर डूइंग वेल आई एम हर्षित एंड वेलकम टू द चैनल आज जो टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ये मेथड्स ऑफ टीचिंग के टॉपिक के अंदर आता है जो टीचिंग एप्टीट्यूड के यूनिट के अंदर आता है इस टॉपिक को हम यू जी सी नेट पेपर वन के हिसाब से देखने वाले हैं हालांकि जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का टॉपिक है उसको और भी टीचिंग एग्जाम्स में डिस्कस किया जाता है जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो लर्नर सेंटर टीचिंग का एक एग्जाम्पल है जैसा कि आपको पता है मेथड्स ऑफ टीचिंग के मेनली दो पार्ट्स होते हैं एक होता है टीचर सेंटर्ड टीचिंग एंड दूसरा होता है लर्नर सेंटर्ड टीचिंग तो जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो लर्नर सेंटर्ड टीचिंग में आता है तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को डिस्कस करें हम लर्नर सेंटर्ड टीचिंग एक बार देखते हैं जो लर्नर सेंटर्ड टीचिंग है ये जो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम है इसमें लर्नर का पिविटल रोल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जैसा कि आपको याद होगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर लर्नर को इंस्ट्रक्ट करता है ताकि लर्नर के बिहेवियर में चेंज हो सके मॉडिफिकेशन हो सके ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं लर्निंग के अचीव कर सके अगर इस प्रोसेस में इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लर्नर ज़्यादा एक्टिव है टुवर्ड्स लर्निंग टीचर से मतलब टीचर से ज्यादा लर्नर एक्टिवली एक्टिवलीवाल्व है टीचर लर्निंग प्रोसेस में तो ये लर्नर टीचर लर्नर सेंटर टीचिंग में आता है एंड इसको स्टूडेंट सेंटर टीचिंग भी कहते हैं एंड एंड्रगौगी भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो लर्नर है वो इंडिपेंडेंट है एंड ये कैरेक्टरिस्टिक होती है अडल्ट लर्नर्स की तो इन लर्नर सेंटर्ड सिस्टम फोकस इज ऑन इंडिविजुअल लर्नर जो लर्नर है वो अपने टीचिंग के प्रति लर्निंग के प्रति बहुत ही प्रोएक्टिव है बहुत ही मोटिवेटेड है सेल्फ मोटिवेटेड है तो लर्नर को सारे सिस्टम के द्वारा लर्न करने के लिए हेल्प किया जाता है ताकि वो अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर सके तो इसमें जो लर्निंग है वो काफ़ी इंडिविजुअलाइज हो जाती है तो जो लर्निंग सेंटर टीचिंग है उसमें क्या क्या सिस्टम से मदद मिलती है लर्नर को प्रिंटेड मटेरियल मिलता है लर्नर को काउंसलिंग मिलती है कि कैसे चीज़ों को परस्यू करना है उस डायरेक्शन में जिसमें परस्यू करना है उसमें आगे क्या क्या हो सकता है इंस्टीट्यूशन से सपोर्ट मिलता है अपने साथ जो लोग पढ़ रहे हैं उनका सोशल कॉन्टैक्ट मिलता है ताकि वो सही डायरेक्शन में चल रहा है एंड उसकी लर्निंग प्रॉपरली हो रही है उसको चेक करने के लिए एवेलुएशन होता है लर्निंग प्रोसेस ठीक से हो उसमें डाउट क्लेरिफिकेशन हो सके उसके लिए ट्यूटर होता है जो लर्नर को मदद करता है उसके अलावा जितने भी सपोर्ट सर्विसेज दी जा सकती हैं लर्नर को वो दी जाती हैं नॉन प्रिंट मटेरियल मिलता है डिजिटल मटेरियल हो गया वीडियोस हो गए इन सबको प्रोवाइड कराया जाता है लर्नर को ताकि वो लर्निंग के प्रोसेस को कर सके तो लर्निंग लर्नर सेंटर टीचिंग में लर्नर के अराउंड सब चीज़ें सेंटर्ड होती हैं टीचर का भी एक्टिव रोल है बट टीचर एक सपोर्ट सिस्टम हो गया है मेन जो कर रहा है जो हेल्प कर रहा है लर्निंग प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने में ऑब्जेक्टिव अचीव करने में वो लर्नर है इसीलिए इसको लर्नर सेंटर्ड टीचिंग भी कहा जाता है स्टूडेंट सेंटर टीचिंग भी कहा जाता है या फिर एंड्रागॉगी भी कहा जाता है तो जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो लर्नर सेंटर टीचिंग का ही एग्जाम्पल है जो हम अब डिस्कस करेंगे अब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में क्या होता है इट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन इसमें क्या होता है जो भी कंटेंट आप पढ़ाने वाले हो उसको आप स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करते स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर दिया कंटेंट को एंड ये लॉजिकली सिक्वेंसड होते हैं लॉजिकली सिक्वेंस मतलब जो पहला स्टेप होगा वो सिंपल होगा सेकेंड उससे थोड़ा डिफिकल्ट होगा थर्ड थोड़ा डिफिकल्ट होगा एंड जो फाइनल वाला है वो सबसे कॉम्प्लेक्स होगा तो किसी भी कंटेंट जिसको आपको पढ़ाना है आप उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हो एंड उसको सिक्वेंशली अरेंज करते हो माने ईजी से डिफ़िकल्ट में तो जो, जो ये लर्नर है इसमें उसका काफ़ी एक्टिव रोल हो जाता है लर्निंग में ये लर्नर सेंटर टीचिंग इसीलिए से कहा गया है टू फेसिलेटेड सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो जो लर्नर है उसके माइंड में कॉग्नेटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर एक्सपीरियंस जनरेट करे ये कैसे जनरेट किया जाता है थ्रू अ वाइटी ऑफ बुकलेट्स मशीन्स टीचर एक्सेट्रा माने जो कंटेंट है उसको आपने स्मॉल स्टेप्स में अरेंज किया जो लर्नर है उसे पढ़ाने के लिए एंड उसमें आप लर्नर के माइंड में कॉग्नेटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर एक्सपीरियंसेस दे रहे हो थ्रू स्टडी मटेरियल वो स्टडी मटेरियल बुकलेट्स के फॉर्म में हो सकता है एक टीचिंग मशीन होती है उसके फॉर्म में हो सकता है टीचर के पढ़ाने के फॉर्म में हो सकता है जो प्रोग्रामड इंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल है जो ये टॉपिक है ये प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग से लिया गया है उससे बेस्ड है जो बी एफ स्किनर ने दिया था बी एफ स्किनर ने डेवलप किया था प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को थ्रू प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड टीचिंग मशीन का पहली बार यूज किया था टू इफेक्टिव लर्निंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के लिए जो टीचिंग मशीन थी ये ऑलरेडी एक सिडनी एल प्रेसी थे उन्होंने 1924 में डेवलप करी थी सिडनी एलप्रेसी इनका नाम है तो अगर ऐसा पूछा जाए कि टीचिंग मशीन के फादर कौन है तो सिडनी एलप्रेसी बोलेंगे एंड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के फादर कौन है तो बी एस के बोलेंगे तो इसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में क्या होता है टेक्स्ट मटीरियल कंपनीज़ अ टीचिंग मशीन और इस टीचिंग मशीन को मतलब जो टेक्स्ट मटेरियल इस टीचिंग मशीन में दिखाया जा रहा है उसी को प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन बोलते हैं क्योंकि आपने पहले से ही इस मशीन को प्रोग्राम किया है वो कंटेंट दिखाने के लिए जब आप ने जो कंटेंट था उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया था तब ने आपने ऑलरेडी क्या दिखाने वाले हो वो प्रोग्राम कर लिया था अब हम इसके स्टेप्स को देखेंगे तो ये क्लैरिटी आएगी कि हो एक्चुअली क्या रहा है इट इज हैज बीन ये सबसे पॉपुलर एंड इफेक्टिव इनोवेशन है इंडिविजुअलाइज इन अशोर्ड लर्निंग के लिए ऐसा क्यों है इसमें क्या है जो कंटेंट है जो हम पढ़ने वाले हैं इट इज ब्रोकन इन स्मॉल कंज्यूमेबल इन्फॉर्मेशन चंक्स माने कॉम्प्लेक्स कंटेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है जिससे वो आसान हो जाता है पढ़ना एंड ईजिली एक्सेबल टू द लर्नर ये जो चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसमें डिवाइड किया गया है इनको फ्रेम कहा जाता है एंड लर्नर इज रिक्वायर्ड टू गो फ्रेम बाय फ्रेम माने पहले फ्रेम वन आपको देखना पड़ेगा एंड फिर आप तभी आप अगले फ्रेम में जा सकते हो डिपेंडिंग ऑन हिज और हर परफॉर्मेंस ऑन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टैक डाउन फ्रेम्स ये देखिए जो टीचिंग कर रहे हैं उसको छोटे छोटे फ्रेम्स में बांट दिया गया है जब फ्रेम वन को पढ़ेगा लर्नर एंड उसके बाद जो एम सी क्यू आ रहा है उसे सॉल्व करेगा तभी लर्नर अगले फ्रेम पे जाएगा तो जब तक वो फ्रेम वन की लर्निंग पूरी नहीं करता है वो अगले फ्रेम में नहीं जाता है तो एंड फ्रेम वन सबसे सिंपल होता है एंड फ्रेम फोर सबसे कॉम्प्लेक्स होता है तो इसीलिए ये सिक्वेंशली अरेंज होता है तो सबसे पहले क्या है फ्रेम वन में जो पढ़ा है उसके बाद उसे एम सी क्यू दिए जाएंगे चेक करने के लिए उसने ठीक से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है उनको ये आंसर करेगा तभी ये फ्रेम टू में जाएगा और क्या होता है फॉर ईच ऑफ क्वेश्चन क्रॉस चेक एंड सेल्फ इवेल्युएट देयर परफॉर्मेंस दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द रिजल्ट हेल्प द लर्नर टू प्रोसीड टू फर्दर लर्निंग हर फ्रेम के बाद हमें पता है कि एक क्वेश्चन दिया जाता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से इमीडिएटली उस क्वेश्चन के आंसर दे दिए जाते हैं स्टूडेंट को फीडबैक मिलती है कि उसने कितना सही किया है कितना गलत किया है अगर सही किया है तो वो अगले फ्रेम में चले जाता है अगर गलत किया है तो उसे फीडबैक मिल जाती है कि कहाँ पे वर्क करना है एंड वो फिर से पढ़ता है एंड फिर से एग्ज़ाम देता है एंड अगर वो क्लियर करता है तो वो अगले फ्रेम में जाता है तो ये हो गया सेकेंड पार्ट इट डिमांड्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर इन द लर्निंग एक्टिविटी एंड हेल्प लर्नर सस्टेन मोटिवेशन क्योंकि लर्नर को इमिडिएटली बताया जा रहा है कि कहाँ वो लैकिंग है उसे इमिडिएटली फीडबैक मिल रहा है तो लर्नर में भी इंटरेस्ट है एंड मोटिवेशन है कि वो आगे अगले जो लेवल है उसमें जाए तो इसीलिए अगर लर्नर का एक्टिव पार्टिसिपेशन है तो लर्नर का जो मोटिवेशन है वो भी सस्टेन रहता है प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स बाय एंड लार्ज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअलाइज्ड लर्नर एंड इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एंड सेल्फ पेसिंग दिस प्रिंसिपल इज बेज ऑन द फैक्ट दैट एवरी लर्नर हैज़ यूनिकपेबिलिटीज एंड रिक्वायरमेंट देखिए डिपेंडिंग ऑन लर्नर कैसा है उसकी केपेबिलिटीज कैसी हैं लर्नर कितने भी समय ले सकता है फ्रेम वन से फ्रेम टू जाने या फ्रेम टू से फ्रेम थ्री एंड फाइनली कंप्लीट करने के लिए तो यहाँ पर यह बता रहा है कि जो ये लर्निंग प्रोसेस है वो इंडिविजुअलाइज लर्निंग की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें लर्नर अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी लर्निंग को स्पीड अप कर सकता है अगर वो बहुत इंटरेस्टेड है न, उसे बहुत ज़्यादा जल्दी लर्न करना है तो वो फटाफट इन जो लेवल्स हैं इनको कम्प्लीट कर सकता है अगर उस वो साइड बाई साइड कुछ वर्क कर रहा है वर्किंग प्रोफेशनल है तो वो अपने स्पीड के हिसाब से लर्निंग को कम्प्लीट कर सकता है तो जो ये लर्निंग का पूरा प्रोसेस होता है ना फ्रेम वन से फ्रेम फोर कितने भी फ्रेम हो सकते हैं हमने अपने एग्जाम्पल में चार फ्रेम्स लिए हैं इस पूरे पाथ को लर्निंग प्रोसेस के पाथ को कहा जाता है पाथ ऑफ लर्निंग फिर क्या है इस प्रोसेस में कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है लर्नर की परफॉर्मेंस की थ्रू एमसीक्यूज एंड उस थ्रू फीडबैक एंड प्रोग्रेस हर फ्रेम में कि उसने कैसे परफॉर्म किया है कितनी बार परफॉर्म किया है कैसे अलग अलग फ्रेम में वो सारी इंफॉर्मेशन रहती है एंड कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करी जाती है ताकि उसकी प्रोग्रेस को बेटर तरीके से मॉनिटर किया जा सके दे गेट इमिडिएट फीडबैक अबाउट करेक्टनेस ऑफ द रिस्पॉन्स एंड जिस बिहेवियर से लर्नर एंटर हुआ है यहाँ पे माने पढ़ने से पहले उसका जो बिहेवियर था वो भी इवेल्युएट uh, किया जाता है स्टार्ट करने से पहले एंड जब उसका सारा लर्निंग का प्रोसेस हो गया है उसके बाद जो उसका एग्जिट होता है उसका बिहेवियर को भी इवेलुएट करा जाता है ये देखने के लिए कि कितनी प्रोग्रेस हुई है थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग तो एक एंट्री बिहेवियर भी मॉनिटर किया जाता है इवेलुएट किया जाता है एंड जो प्रोसेस हो जाने के बाद जो एग्जिट बिहेवियर है उसको भी इवेलुएट किया जाता है तो ये हो गया प्रोग्रामड इंस्ट्रक्शन का प्रोसेस एक बार फिर से देख लेते हैं क्या होता है छोटे छोटे पार्ट्स में फ्रेम्स में बांटा जाता है हर फ्रेम के बाद एक एम दिया जाता है इवेलुएट करने के लिए कि स्टूडेंट को समझ आया है कि नहीं अगर उसे समझ आया है तो वो आगे बढ़ता है नहीं समझ आया तो फिर से रिपीट करता है इसीलिए जो स्टूडेंट है लर्नर है उसे फीडबैक मिलता है फिर क्या है इसमें क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन लर्नर की डिमांड करता है एंड जो ये प्रोसेस है ये इंश्योर करता है कि जो लर्नर है वो इंटरेस्टेड है मोटिवेटेड रहे ये जो मेथड है ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी को इंडिविजुलाइज लर्निंग की एंड सेल्फ पेसिंग की एंड इस प्रोसेस में थ्रू आउट इज दिस पाथ ऑफ लर्निंग लर्नर है उसकी प्रोग्रेस मॉनिटर करी जाती है एंड उसकी प्रोग्रेस सारे फ्रेम्स में अवेलेबल रहती है इसके अलावा भी उसका जो एंट्री बिहेवियर है लर्निंग से पहले का जो बिहेवियर है एंड जो एग्जिट बिहेवियर है वो भी इवेल्युट किया जाता है तो ये हमने पढ़ लिया पूरा जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में प्रोसेस होता है वो अब बेस्ड ऑन दिस प्रोसेस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल्स प्रोवाइड कर रहे हैं हम वो भी देख लेते हैं वो इसी से डिराइव करे गए हैं जो प्रोसेस हमने समझा है अब प्रिंसिपल जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो क्या है सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स जैसा कि हमने देखा है कोई भी कंटेंट है उसको ये कहता है कि कोई भी कंटेंट है उसको स्मॉल पार्ट्स में स्मॉल स्टेप्स में आप डिवाइड करो सबसे पहले सिंपल एंड उसके बाद एंड में सबसे कॉम्प्लेक्स एंड एक सिक्वेंशली चलो सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग ये लर्नर के लिए लर्नर है जो लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा प्रोसेस में जो भी फ्रेम्स हैं उसमें जो कंटेंट दिया है वो पढ़ना पड़ेगा उसके बाद जो एम सी क्यूज़ एंड क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें भी एक्टिवली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा मतलब अर्निंग अपनी लर्निंग के लिए अच्छे से एक्टिवली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक तो जो लर्नर है जो फ्रेम्स को पढ़ रहा है उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है उसको उन क्वेश्चन का इमीडिएट फीडबैक मिलेगा ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को सेल्फ एवेलुएट कर सके एंड उसमें इम्प्रूव कर सके तो यह थर्ड प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग इसमें जो लर्नर है वो अपनी स्पीड लर्निंग की सेट कर रहा है बेस्ड ऑन उसकी अर्जेंसी क्या है अगर वो वर्किंग प्रोफेशनल है तो वो उस हिसाब से अपना लर्निंग का टाइमिंग सेट करेगा एंड अगर उसको थोड़ी जल्दी है वो ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहता है तो वो इमीडिएटली जो फ्रेम में पढ़ाया जा रहा है जो लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है वो फटाफट कम कवर करेगा तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ लर्निंग नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग ये बेसिकली प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में जो हम एंड में क्वेश्चंस देखते हैं उसमें जो स्टूडेंट्स को आंसर करने पड़ते हैं जो क्वेश्चन हैं वो इसका पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग जिससे ये इन्श्योर होता है कि जो फ्रेम में स्टूडेंट पढ़ रहा है वो उसे समझ आया है कि नहीं उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि नहीं एंड इस टेस्ट को देने के बाद ही स्टूडेंट जो आगे की लर्निंग है आगे का फ्रेम है उसमें जाता है वहाँ पे भी फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अगर क्लियर करता है तो फिर फ्रेम फ्रेम थ्री में जाता है एंड सो ऑन तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग ये इन्श्योर करता है कि जो पूरा टेस्ट हो रहा है उसमें जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं अब हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बेसिकली प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को कैसे डिज़ाइन करना है वो बताते हैं जो प्रोग्राम मेकिंग प्रोसेस है ये क्या कहता है जो प्रोग्राम मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत डायनामिक है माने कम्प्लीटली चेंज होता रहता है इस वजह से ये बहुत चैलेंजिंग है एंड इसको डेवलप करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है तो आपको इसको डेवलप करने के लिए सर्टेन डिग्री ऑफ स्किल्स होनी चाहिए आप में आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्राम को कैसे लिखना है तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बनाने में पहला है प्रिपरेशन माने इंप्लीमेंट करने से पहले प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को आप उसके लिए प्रिपेयर करो तो आप क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसको प्रिपेयर करते हो सबसे पहले आप टॉपिक डिसाइज डिसाइड करते हो जिस पर आपको प्रोग्राम बनाना है उसके बाद जो बनाना उसके प्रोग्राम बनाना है उसके कंटेंट का आउटलाइन बनाते हो कि इसमें क्या क्या सीखोगे इंट्रोडक्शन क्या है एंडिंग क्या है कंक्लूजन क्या है अब जो आपका जो प्रोग्राम आपने बनाया है वो आपने क्यों बनाया है आपको वो भी बताना पड़ेगा तो इसीलिए आप जो प्रोग्राम है उसके ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हो कि उस प्रोग्राम को करने से स्टूडेंट्स के क्या जो नीड है वो अचीव होगी तो ये हो गया थर्ड पॉइंट नेक्स्ट आपको देखना है कि जो स्टूडेंट आया है वो अभी किस लेवल पे है तभी तो आप जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसकी एफिकेसी बता पाओगे कि कितने चेंजेस हुए हैं सबसे पहले आपको जो स्टूडेंट जैसे आया है वो मेजर करना पड़ेगा तो आपको एक टेस्ट बनाना पड़ेगा जैसे जो स्टूडेंट का एंट्री पॉइंट है उसका एंट्री बिहेवियर है वो मेजर हो सके ये हो गया पहला पार्ट अब जब स्टूडेंट ने प्रोग्राम प्रॉपरली पूरा कवर कर लिया है तो आपको देखना पड़ेगा कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है स्टूडेंट में तो उसके लिए आपको एक टेस्ट बनाना पड़ेगा क्रिएट करना पड़ेगा जो टर्मिनल बिहेवियर मेजर करता है स्टूडेंट का टर्मिनल बिहेवियर क्या है कि प्रोग्राम ख़त्म हो जाने के बाद उसका जो बिहेवियर है सारे फ्रेम्स कंप्लीट करने के बाद जो स्टूडेंट का बिहेवियर है वो कैसा है वो टर्मिनल बिहेवियर के लिए जो टेस्ट बनता है उससे मेजर होता है तो आपने एंट्री बिहेवियर के लिए भी टेस्ट क्रिएट किया है एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद स्टूडेंट का एग्जिट बिहेवियर जो है जो टर्मिनल बिहेवियर है उसके लिए भी टेस्ट क्रिएट किया है तो ये हो जाता है आपके प्रिपरेशन फेज़ में फिर अगला क्या हो गया अभी आपने प्रिपरेशन कर लिया अब आप प्रोग्राम को एक्चुअली राइट करेंगे उसमें क्या होता है सबसे पहले आप प्रेजेंट करते हैं मटीरियल को इन फ्रेम्स आप बेसिकली मटीरियल है जो उसको छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि लर्निंग आसानी से होती रहे तो आपने अब आप फ्रेम्स बना लिए उसके बाद आप क्या करेंगे आप प्रोवाइड फॉर करेंगे एक्टिव स्टूडेंट रिस्पॉन्स माने जो स्टूडेंट है जो ऑलरेडी मोटिवेटेड है वो एक्टिवली रिस्पॉन्ड करे आपके मटीरियल को तो उसमें क्या होगा ये क्या आप कैसे करेंगे आप जो फ्रेम है उसका जो स्टडी मटेरियल है उससे स्टूडेंट इंटरेक्ट करेगा उसके बाद क्वेश्चंस इन एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे जिसको स्टूडेंट सॉल्व करेगा ताकि जो स्टूडेंट है वो ये लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली एक्टिवली इन्वॉल्व रहे उसके बाद क्या होगा आप प्रोवाइड फॉर करेंगे कन्फर्मेशन ऑफ स्टूडेंट रिस्पॉन्स अब आप ये कैसे करेंगे जो ये एम सी क्यू क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है फ्रेम्स के एंड में वो फीडबैक प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट को एंड बताएगा कि स्टूडेंट जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को ठीक से अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो जो क्वेश्चन हैं उससे स्टूडेंट को हेल्प होगा उसकी परफॉर्मेंस को सेल्फ एवेल्युएट करने के लिए अगर उसे और एफर्ट करने हैं तो जो वो फ्रेम है उसको फिर से रिवाइज करेगा उस फ्रेम को रिवाइज करने के बाद वो फिर से क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा एंड अगर उसने सही से सॉल्व किया है तो वो आगे के फ्रेम में जाएगा और क्या इंक्लूड किया करते हैं हम इसमें हम इनकोपरेट करते हैं प्रॉम्स को टू गाइड स्टूडेंट रिस्पॉन्स या नज होता है जो स्टूडेंट को हेल्प करता है सही डायरेक्शन में सही लर्निंग ऑब्जेक्टिव में जाने के लिए तो आपको हर फ्रेम में एक प्रॉम्प्ट प्रॉम्प देने पड़ते हैं एक नहीं मल्टीपल प्रोम भी हो सकते हैं देने पड़ते हैं जिससे जो स्टूडेंट है वो हेल्प उसको हेल्प होती है सही जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उस फ्रेम का अचीव करने के लिए फाइनली जो आपने फ्रेम्स बनाए हैं आप उसको सिक्वेंशली अरेंज करते हैं इंक्रीमेंटली माने सबसे पहला जो फ्रेम होता है वो सिंपल होता है एंड आप धीरे धीरे जो इसका डिफिकल्टी लेवल होता है वो कॉम्प्लेक्स में जाता है एंड लास्ट वाला सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है तो जैसे ही आप पाथ ऑफ लर्निंग में यहाँ पे बेसिकली आप पाथ ऑफ लर्निंग में फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं अब आपने प्रिपरेशन कर ली प्रोग्राम को राइट कर लिया अब आप क्या करेंगे उसको ट्राई आउट करेंगे एंड अगर उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करेंगे माने उसमें रिविज़न करेंगे तो अगला स्टेप हो जाता है ट्राई आउट एंड रिविज़न का इसमें क्या होता है जो आपने सबसे पहला ड्राफ्ट फॉर्मुलेट किया है उसको आप एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को दिखाते हैं जो चेक करता है आपके कंटेंट को वो बेसिकली ये चेक करता है कि जो आपने फ्रेम्स बनाए हैं जो आउटलाइंस बनाई हैं वो एक्चुअली सब्जेक्ट से रिलेटेड है कि नहीं है एक बार सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने कंटेंट को चेक कर लिया जो प्रोग्राम है उसकी वैलिडिटी को टेस्ट किया जाता है अब आप ये कैसे करते हैं आप एक्चुअली टेस्ट को जो ग्रुप ऑफ लर्नर्स है उसमें एडमिनिस्टर करते हैं अगर जो डिज़ायर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव है और जो रिजल्ट है वो अचीव हो रहा है दैट मीन्स प्रोग्राम की वैलिडिटी अच्छी है जो प्रोग्राम को जिस लिए डिजाइन किया गया है वो एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है तो आप वैलिडिटी ऑफ प्रोग्राम टेस्ट करते हैं बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग द टेस्ट टू द ग्रुप ऑफ लर्निंग्स उसके बाद भी अगर कुछ रिविजन का स्कोप रह जाए तो आप रिवाइज करते हैं प्रोग्राम को बाय टेकिंग अप द एरर रेट एंड प्रोग्राम डेंसिटी बेसिकली एरर रेट क्या होता है जो फ्रेम्स हैं उसमें जो क्वेश्चंस को क्वेश्चन हैं उसको जो स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है वो कुछ सही आंसर देगा कुछ गलत आंसर देगा तो वो कितना गलत आंसर दे रहा है वो आपको एरर रेट बताती है एंड जो प्रोग्राम है वो कितना डिफिकल्ट है वो आपको प्रोग्राम डेंसिटी बताती है तो जो प्रोग्राम है उसको आप रिवाइज कर सकते हो जब आप एरर रेट देख रहे हो एंड प्रोग्राम की डिफिकल्टी देख रहे हो तो आप ये देख सकते हो कि आपको रिवीजन में प्रोग्राम को ज़्यादा डिफिकल्ट बनाना है या थोड़ा इजी बनाना है या जब वैलिडिटी ऑफ प्रोग्राम में आपको एरर रेट मिलेगा एंड प्रोग्राम डेंसिटी मिलेगा उसके बाद आप प्रोग्राम में रिविजन कर सकते हो तो ये हो गए स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग प्रोग्राम डिस्ट्रक्शन इसमें आपने क्या किया पहले प्रिपरेशन किया जिसमें आपने सबसे पहले टॉपिक को सेलेक्ट किया फिर कंटेंट आउटलाइन बनाया उसके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए आपने एक टेस्ट क्रिएट किया एंट्री बिहेवियर को मेजर करने के लिए एंड फिर आपने टेस्ट एक क्रिएट किया टर्मिनल बिहेवियर को मेजर करने के लिए उसके बाद आपने क्या किया आपने प्रोग्राम को राइट किया जिसमें आपने मटेरियल को इन फ्रेम सेटअप किया आपने प्रोवाइड फॉर किया फ़ॉर एक्टिव स्टूडेंट रिस्पॉन्स उसके बाद आपने प्रोवाइड फॉर किया कन्फर्मेशन ऑफ स्टूडेंट रिस्पॉन्स आपने स्टूडेंट रिस्पॉन्स को गाइड करने के लिए ताकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव हो प्रॉम्स को इनकॉपरेट किया जो फ्रेम्स हैं उनको सीक्वेंस किया इंक्रीमेंटली फ्रॉम सिंपल टू डिफ़िकल्ट एंड उसके बाद आपने ट्राई आउट एंड रिविजन किया उसमें आपने क्या किया आपने जो ड्राफ्ट फॉर्मुलेट किया था उसको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को दिखाया देखा कि वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है कि नहीं फिर वैलिडिटी ऑफ प्रोग्राम को टेस्ट किया बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग इट टू द ग्रुप ऑफ लर्नर्स उसके बाद जब वैलिडिटी ऑफ प्रोग्राम को आपने टेस्ट किया आपने प्रोग्राम में अगर कोई रिविजन हैं उसको वो टेकअप किए आपने उसमें एरर रेट जो है वो भी चेक किया एंड जो प्रोग्राम डेंसिटी थी माने प्रोग्राम कितना डिफिकल्ट है वो भी चेक किया तो ये हो गए स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम डिस्ट्रक्शन आगे हम आ जाते हैं यूज ऑफ प्रोग्रामड इंस्ट्रक्शन में इसमें क्या होता है ये बेसिकली जो इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस है उसे इंडिविजुअलाइज करता है ये हेल्प करता है एनरिच द करिकुलम क्योंकि जो आउटलाइन है जो प्रोग्रामड इंस्ट्रक्शन है उसे बनाने में इतनी रिसर्च लगती है इतना टाइम कंज्यूम होता है इतना पढ़ा पढ़ना पड़ता है उसको तो ऑटोमेटिकली जो करिकुलम है इस प्रोसेस में एनरिच हो जाता है और बेटर हो जाता है जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है ये हेल्प करता है गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए एंड इन केस गाइडेंस के बाद कुछ चेंजेस हैं कुछ प्रोसेस को रेमेडी करना है ये रेमिडल इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड करता है इस प्रोसेस में जो लर्नर है वह एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है लर्निंग में मोटिवेटेड रहता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ये मोटिवेशन रहता है वो सस्टेंड मोटिवेशन होता है एंड सस्टेंड इंटरेस्ट होता है जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो हेल्प करता है एडुकेशन की थ्योरी को एंड जो प्रैक्टिस के बीच में गैप है उसको बिल्ड ब्रिज करने में उसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हेल्प करता है जो ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है ये एडुकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस में गैप को ब्रिज करता है तो ये हो गई यूजेज ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हमने जो स्टेप्स भी पढ़े थे एंड प्रोसेस भी पढ़ा था उसमें क्लियर हो गया था कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है अब क्योंकि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में इतना टाइम कंज्यूम होता है तो वो उसका बेसिकली एक डिसएडवांटेज भी हो गया है ये काफ़ी कॉस्टली होता है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है प्रोसेस में काफ़ी आपको टाइम एनर्जी लगानी पड़ती है तो हमने यूजर्स भी देख लिए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के एंड उसके क्या क्या डीमेरिट्स हैं वो भी देख लिए अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग है हम उनको ब्रीफली ग्लान्स कर लेते हैं दो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग है एंड बाकी सारे जो टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है हमने उनको लिस्ट डाउन कर लिया है तो दो कौन से इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग है पहला है लीनियर प्रोग्रामिंग दूसरा है ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग इसके अलावा क्या टाइप्स हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के मैथेटिक्स प्रोग्रामिंग रूल सिस्टम ऑफ प्रोग्रामिंग कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन एंड लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन अब हम लीनियर प्रोग्रामिंग को एक बार देख लेते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग को प्रपोज किया गया था बी एफ स्किनर द्वारा 1954 में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि जो बी एफ स्किनर है उन, उन्होंने नाइनटीन फिफ्टीज में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को डेवलप किया है इसमें क्या होता है लर्नर रीड्स एंड रिस्पॉन्ड्स टू द सेम फ्रेम बेसिकली जितने भी लर्नर हैं उनको सेम पाथ ऑफ लर्निंग से जाना पड़ेगा सबको सेम पाथ फॉलो करना पड़ेगा सीक्वेंस लीनियर है सिंगल पाथ यूज होता है लर्नर को जो फॉलो करना पड़ता है लर्नर इज बाउंड टू प्रोसीड फ्रॉम वन फ्रेम टू दी अदर सीक्वेंशियली एंड कंप्लीट द प्रोग्राम एज अ रूल कंटेंट इज प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस प्रोसीडिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन और अ सेट ऑफ क्वेश्चन इज पुट आफ्टर ईच फ्रेम एंड आफ्टर ईच लेवल ऑफ डिफिकल्टी यही जब हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे हमने यही सब डिस्कस किया है जो लर्नर है वो रिस्पोंड करता है क्वेश्चन को एंड प्रोसीड्स टिल ही और शी अचीव द प्री स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जब तक जो लर्नर है वो फ्रेम का प्री इस्टैब्लिश प्री स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं करता है तब तक वो अगले फ्रेम में नहीं जाता है

बेसिकली प्रॉम्पस क्या होते हैं स्टिमिलाई होते हैं जो हेल्प करते हैं लर्नर को टू गेस द करेक्ट आंसर इसीलिए जो प्रॉम्पस हैं वो लर्नर का जो एरर है उसको एलिमिनेट करते हैं क्योंकि वो गाइड कर रहे हैं राइट right डायरेक्शन में एंड इसीलिए लर्नर ऑब्जेक्टिव अचीव करता है तो ये जो था हमने लीनर प्रोग्रामिंग देख लिया अब हम देखते हैं ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में क्या होता है ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग एज अ नेम इंडिकेट्स ब्रांचिंग प्रोग्राम प्रोवाइड्स मोर देन वन पार्ट टू फॉलो सिर्फ एक सिंगुलर सिक्वेंशियल पाथ नहीं होता है मल्टीपल एक और पाथ होता है मल्टीपल पाथ होते हैं फॉलो करने के लिए इट वॉज डेवलप्ड बाय नॉर्मल ए क्रोडर इन नाइनटीन वो बेसिकली साइकोलॉजिस्ट थे यूएस में जिन्होंने इस, इस जो यूएस एस में उन्होंने एयरफोर्स के लिए भी काम किया था तो लाइक द लीनर प्रोग्रामिंग इफ द लर्नर रिस्पॉन्ड टू ऑल क्वेश्चंस करेक्टली ही और शी प्रोसीड्स फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर अगर लर्नर सब कुछ सही से आंसर कर रहा है तो ये इफेक्टिवली लीनियर प्रोग्रामिंग की तरह ही हो जाएगा फ्रेम वन से फ्रेम टू फ्रेम टू से फ्रेम थ्री एंड देन कंप्लीट अगर सब कुछ सही कर रहा है बट अगर लर्नर ने एरर किया और आंसर गलत दिया तो उसको एक और पाथ पे डायरेक्ट किया जाता है जिसको सप्लीमेंट्री पाथ होता है जिसमें उसको रेमेडियल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं बेसिकली जो एरर कर रहा है उसको ठीक करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता फिर से फ्रेम को रिपीट करना पड़ता बार बार फ्रेम को रिपीट करना पड़ता तो अगर आप बार बार फ्रेम को रिपीट कर रहे हो तो क्वेश्चन तो लिमिटेड होते हैं ना तो वो तो फाइनली गेस करके आगे आके फ्रेम में बढ़ जाएगा उससे जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो नया जो उसे सीखना है आगे के लिए बढ़ने के लिए वो नहीं सीखेगा तो ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग बेटर होता है क्योंकि जो लर्नर है उसे एक सप्लीमेंट्री पाथ पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है जैसे यहाँ पे है अगर उसने फ्रेम वन में गलत आंसर्स दिए तो वो ये सप्लीमेंट्री पाथ पे चला जाएगा ये ट्यूटोरियल्स हो सकते हैं अलग क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्ट समझाने समझने के लिए एंड इस सप्लीमेंट्री पाथ से जाके फिर वो फाइनली अगले फ्रेम पे चला जाएगा सेम चीज़ फ्रेम थ्री में होती है फ्रेम थ्री से सप्लीमेंट्री पार्ट डी में जाता है फिर ई e में जाता है एंड फ्रेम फोर पे जाता है रिमीडियल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे परफॉर्म होते हैं एंड वो मेन पाथ पे वापस चला जाता है तो ये हमने डिस्कस कर लिया ब्रांच प्रोग्रामिंग को जो दो दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम डिस्ट्रक्शन के टाइप थे लीनियर प्रोग्रामिंग एंड ब्रांच प्रोग्रामिंग हमने डिस्कस कर लिए लीनियर प्रोग्रामिंग क्योंकि बी एफ स्किनर ने फाउंड आउट फाउंड प्रपोज किया था तो इसको स्किनेरियन भी कहा जाता है एंड एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है एंड सिमिलरली जो ब्रांच प्रोग्रामिंग है उसे इंटरनसिक प्रोग्रामिंग कहा जाता है तो ये हमने जो दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन थे वो डिस्कस कर लिए तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है हमने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो देखे फिर यूजेस उसके देखे एंड टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन देखे सो आई होप आपके लिए ये सेशन यूजफुल था अगर यूजफुल था तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर कोई आपको डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए तब भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं सो अंटिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू